मैं उस देश की वासी हूँ जिसके मुकुट की रोशनी का कारण रोज की गोलाबारी है। सुना है कश्मीर सुंदर है, जाकर भी वहां ना जा पाने की एक अनजानी बीमारी है। सच कहूं तो मुझे डर लगता है, एक बेतुकी बोली से मरने में क्या रखा है। कश्मीर में तो ना जाने कौन पराया कौन सका है। हर रोज सिर्फ कश्मीर नहीं, पूरे देश में नए रिफॉर्म की लिस्ट निकाली जाती है। रिफॉर्म्स निकाले बिना शासक की कुर्सी कहां भरती है। 5 साल में वो सब रिफॉर्म्स पार्लियामेंट के चक्कर लगाते हैं, खुशी में रूलिंग पार्टी की प्रशंसा के पुल बांधे जाते हैं। वैसे गजलों और रिफॉर्म्स में क्या समानता है आप जानते हैं? दोनों में ही हर देश महान लगता है। आज जान लिया वादों की बिना पर तो ये खोखला शासक ही जी सकता है। लेकिन बड़े वादे खोखले फल जैसे होते हैं। एक दिन तो वक्त के चाकू की धार सच उगल ही देगी, लेकिन क्या उस सही समय के इंतजार में हमारी जनता बस बैठी रहेगी? पता है, खोखला फल पड़ा रहे तो उसका रस भी जहर बन जाता है। वही कल का मासूम सा फल आसपास के फलों पर बस कहर छाता है। एक सच्चा युवा शासक ही है जो इस संघम दौड़ से ऊपर उठकर कुछ करना चाहता है, लेकिन हमारे देश में सुलझे युवाओं को शासक कौन बनाता है। वैसे भी भारत में शासक बनना आसान है, भूखे नंगों को रोटी दे दो और कुछ खोखले वादे, अंदर से चाहे हो जाओ कपटी लेकिन कपड़े पहनो सादे, या एक स्कूल में खाना बंटवा दो, एक कपटी पुलिस कमिश्नर हटवा दो, कह दो कि हम उधार लाएंगे और 5 साल तक कुछ ना हो सके तो आपके टैक्स में नहाएंगे। हमारे देश के लोकतंत्रता की बेतुकी तो देखिए, जो वोट करता है वो जानता नहीं कि किसे करना है, और जो जानता है उसकी राय सोशल गैदरिंग की डिस्कशन तक घुस जाती है, अखबारों के कॉलम बिना डिस्कशन पर थम जाती है। जो वोट करता है उसे चुप कराता है तो वक्त का खाना और पैसा। अगर युवा वोट नहीं करेगा तो शासक आपसे कैसे डरेगा। यहाँ बैठे सब जन शायद 18 से ऊपर है, आप में से कितने लोग मतदान करने जाते हैं और कितने लोग उस दिन सिर्फ छुट्टी मनाते हैं? जवाब मुझे नहीं, खुद को दीजिए। कुछ बातें